अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वाकई में कैसे झूठ बेचा जाता है, इसका जीता जागता नमूना हमें भारत में देखने को मिल रहा है। गोद मीडिया जो पहले ही अपना जमीर गैरत बेच चुकी है, कैसे मोदी हुकूमत के सामने मुजरा कर रही है देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि यह पहले से तय है, अब पूरे चैनलों पर 350 तक भाजपा एनडीए गठबंधन को एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और अब यह नौटंकी 4 तारीख तक चलती रहेगी। कोई और कितना गिर सकता है यही कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों से एग्जिट पोल का तमाशा चुनाव के वक्त देखने को मिलता था, लिहाजा आज आखिरी मरहले की वोटिंग भी खत्म हुई तो बेसब्री चैनल वालों को भाजपा एनडीए और खासकर मोदी को जिताने की होड़ लगी हुई है। आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि कैसे मोदी बाबा 9-9 कैमरे के साथ ध्यान लगाए बैठे थे। मतलब कोई दुनिया में इतने कैमरे लगाकर ध्यान तपस्या कर रहा होगा क्या? लेकिन मोदी बाबा ये सब पहले से करते आ रहे। 10 साल तक भारत की आवाम का ध्यान भटकाकर खुद ध्यान लगा रहे, आंखों पर चश्मा लगाकर। मेडिटेशन शायद किसी ने किया होगा। 48 घंटे की कठिन तपस्या के वक्त बीच बीच में मोदी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट भी किया जा रहा था। अभी कौन कर रहा था मालूम नहीं, लेकिन ये भी चल रहा था कि किस तरह की तपस्या चल रही थी। खैर, आज वाकई एग्जिट पोल के जरिए इंतहाई कर दी। खासकर कर्नाटक में तो एनडीए को 20 से 22 सीटें और उससे भी ताज्जुब की बात जेडीएस को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को तो महज 5 सीटों पर जीते हुए दिखाया जा रहा है। अब जहां हमारे कुछ साफियों ने खुद ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, बेलगाम और चिक्कोड़ी वैसे भी जीतते हुए कहा जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को अपना जमीर बेचते हुए जर्रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं हो रही। दिगर रियासतों का भी यही हाल है। जहां भाजपा गठबंधन को दक्षिण भारत में वोटरों ने पहले ही धुतकारा है, वहां अच्छी खासी बढ़त दक्षिण भारत में दिखाई जा रही है। मतलब कुछ भी दिखाने के पीछे सिर्फ टीआरपी बटोरने का कारोबार और मोदी की जय जयकार। लिहाजा कांग्रेस गठबंधन ने इस दौरान एक अच्छा फैसला लिया हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल का बायकॉट करने का फैसला लिया है। इससे यकीनन गोदी मीडिया को तमाचा बैठ सकता है, क्योंकि अपने मनमाने आंकड़ों के साथ वो खुद ही खुश हो जाए, खुद ही बैठकर तबसरा तस्करा करते रहे। इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में आ सकती है, सत्ताइयों का कहना है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया तो अगले 5 साल भी मोदी हुकूमत कर सकती है ऐसा कहने से नहीं चुकती, क्योंकि इनका सब कुछ खरीद लिया गया। आखिर किस बात पर इतना बड़ा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, जबकि मुल्क भर में मोदी के खिलाफ माहौल देखने को मिल रहा है। लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन बाबा है कि नौटंकी से इन्हें फुर्सती नहीं है। कभी पानी के नीचे चले जाते हैं, कभी मंदिर में बैठकर ध्यान लगाकर लोगों के ध्यान को ही भटकाने की कोशिश, और इन तमाम हरकतों से आवाम भी परेशान हो चुकी है। वोटिंग के वक्त भी एनडीए के लिए साजगार माहौल बनाने की कोशिश की गई, कभी वोटिंग को जानबूझकर धीमा कराया गया, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, तो कभी वोटिंग में 1 करोड़ वोटरों को ज्यादा दिखाया गया। मतलब 6-6.5% की वोटिंग में इजाफा आखिर किसके हक में, और ये आखिर हुआ कैसे? 1 करोड़ वोट कहां से आए, इसका अब तक इल्म किसी को नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो मानो मोदी शाह के हुक्मों का ताबेदार है, और इस पर बारहा इल्जामात लगाए भी जा चुके हैं, लेकिन आजकल कितना भी चीखो चिल्लाओ यहां कोई सुनने वाला है नहीं। खैर, आज एग्जिट पोल का तमाशा देखा गया। एग्जिट पोल में टीआरपी हासिल करने की कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। वैसे भक्तों के पापा खुश तो होंगे, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेताओं को कैसे टारगेट करेंगे? कुछ देर के लिए ढोल ताशे नगाड़े बजाएंगे, पर विपक्ष को इसके जरिए टारगेट करने का काम नहीं हो पाएगा। कुछ हद तक टीआरपी या इश्तेहारात भी गोदी मीडिया हासिल कर पाएगी, लेकिन इनका तमाम खेल फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बायकॉट के जरिए बिगाड़ा जरूर है, क्योंकि इनकी खुशी तब दुगनी हो सकती है जब इनके सामने कोई विपक्ष तो हो। पर सभी बेगैरती एक जगह पर बैठेंगे तो खुशी कहां से हासिल होगी? यकीनन अमित शाह ने ट्वीट के जरिए विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है वगैरह कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बायकॉट ने खेल जरूर बिगाड़ा है। इसका एक पहलू यह भी है कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन अगर करीब करीब भी पहुंचते हैं तो दिगर पार्टियों को खरीदा भी जा सकता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन अक्सरियत सीटें हासिल कर भी रहा है पर मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो कुछ आदर्श को जो आजाद उम्मीदवार जो जीते हुए हैं या दिगर पार्टियों से आए हुए हैं उन्हें लालच दिखा करके देखो कि एग्जिट पोल में तो 400 पार मोदी जी हो रहे हैं या 350 सीटें एनडीए जीत रही है, क्योंकि क्यों ना अभी से आप हमारे साथ मिल जाओ वगैरह। खैर, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को 300 के करीब सीटें हासिल होने की बात कही है। अब इस चुनाव को हकीकत में समझने की कोशिश करें तो मान भी लो कि मोदी हुकूमत 270-280 लेकर हुकूमत बना भी लेती है तो एक तरह से यह मोदी की हार ही कह सकते हैं,
क्योंकि तमाम वसाइल, जितने भी वसाइल मोदी हुकूमत या एनडीए के पास ही है, शायद उतने वसाइल उतने सोर्सेस इंडिया गठबंधन के पास नहीं थे। वैसे भी ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियां मुकम्मल तौर पर मोदी हुकूमत की पुष्ट पनाही में खिदमत अंजाम दे रहे थे। गोदी मीडिया तो पहले से ही तलवे चाटने में अपना जीवन समर्पण कर चुकी है। वैसे में कांटे का मुकाबला करना एक तरह से मोदी की हार ही कह सकते हैं। खैर, इंडिया गठबंधन ने एग्जिट पोल पर बायकॉट के जरिए बड़ा खेला किया हुआ है। एग्जिट पोल एक तरफ फिर से आवाम के असल मौजूदों को दरकिनार करने का तरीका भी कह सकते हैं। कैसे माहौल को बनाया जाता है इसे भी समझने की जरूरत है। क्या आज जो लोग स्टूडियो में बैठकर एनडीए की जीत पर उछल कूद करते देखे जा रहे हैं, कभी उन्होंने मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई पर डिबेट किए हुए? कभी इनके पुराने प्रोग्राम्स को निकाल कर देखो, एक भी प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके जो पापा हैं इन्होंने इन्हें काम ही कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे असल मुद्दे से भटकाया जाए। तभी तो नौ नौ कैमरे लगाकर ध्यान तपस्या की जा रही है। लिहाजा एग्जिट पोल का तमाशा भी इसी का एक हिस्सा है। सट्टा बाजार, न्यूज चैनल, अखबार, एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां, एजेंसियों को लेकर आवाम बड़ी परेशान है। वैसे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि आवाम ने ओटीसी तरफ देने का फैसला किया था और उस तरफ वोट हो भी चुका है और उस तरह की इत्तलाएं हासिल भी हो रही है। लेकिन बहुत कुछ अंदेशे अब भी बाकी है और ये तमाम 4 तारीख को ही सामने आएंगे। लेकिन कुछ दिन यूं ही आवाम को सलाइन पर रखने की आदत पहले से ही इन मीडिया वालों को होती है, जो किसी और के कहने पर नैरेटिव सेट किया जाता है। आज 300, 350 और कुछ तो 400 पार पहुंचाने में भी शर्म महसूस नहीं करते। खैर, अब ढोल ताशे खुशियां इन भक्तों को ही मुबारक हो जो आज एग्जिट पोल के जरिए मना रहे हैं। हमें तो इंतजार 4 तारीख का होगा। जो भी हो, लेकिन गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के बायकॉट ने खेला जरूर किया हुआ। लेकिन कुछ लम्हे फिक्र ये भी है कि, और ये सच्चाई भी है, सबसे अहम बात ये भी है कि मुल्की सतह पर इंडिया गठबंधन के दौर को महसूस किया गया, और ये सच्चाई है। कोई इसे माने या ना माने, पूरे अगर मुल्की सतह पर या मुल्क का पूरा अगर माहौल देखने की कोशिश करेंगे तो यह तस्वीर खुलकर आती है। उत्तर भारत की बात कही जाए तो तकरीबन रियासतों में एनडीए की सीटें घट रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर देते हुए देखा गया। संविधान को लेकर दलित ओबीसी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ वोटिंग की है, तो पूरे भारत में मुसलमानों में एक तरफा कांग्रेस को वोटिंग किया है। जहां भी भाजपा को हराना है वहां भाजपा के खिलाफ, मतलब आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों ने भर के वोट दिया है। लिहाजा इन तमाम के दरमियान एनडीए की शिकस्त जाहिर है, नजर तो आ रही है। मोदी को एक एक सीट के लिए तरसना पड़ सकता है। उत्तर भारत में पिछले चुनाव का ही जायजा लिया जाए तो तकरीबन पूरी की पूरी सीटें एनडीए भाजपा को मिली थी। अगर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम हिंदी बेल्ट का अगर जायजा लिया जाए तो तब तो मोदी की हवा चल रही थी। पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, मुद्दा हावी था, देशभक्ति, राष्ट्रवाद वगैरह आवाम के जहनों में बिठाने में भाजपा कामयाब रही। पर इस बार इस तरह कुछ भी ऐसा नहीं था, और फिर भी आज के एग्जिट पोल में भाजपा एनडीए को 350, 320 और कुछ तो 400 के करीब तक दिखाना यकीनन एक बार फिर से झूठ परोसने की बराबर कोशिश की गई है। आज का एग्जिट पोल सिर्फ चाटुकारिता और भक्तों के पापा को खुश करने का धोखा है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।